हाय गाइस, तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं द इंडियन ट्रैवलर। आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे रोहतांग पास के बारे में कि रोहतांग पास क्या है, कहाँ है, कैसा वेदर रहता है। अगर जिन लोगों को नहीं पता कि रोहतांग पास क्या है, तो मैं उन्हें बता दूं कि रोहतांग पास एक पहाड़ी की चोटी है जो कि मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर है। और वहां जाने के लिए आपको मनाली से कोई कार या बाइक लेके आप रोहतांग पास जा सकते हैं। और वहां जाने के लिए आपको अपनी खुद की पर्सनल बाइक या कार लेने की ज़रूरत नहीं, मनाली में आप रेंट पे भी ले सकते हैं और वहां पे जा सकते हैं। वहां जाने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपके व्हीकल का बनता है, आपको एक या दो दिन पहले अप्लाई करना होता है। परमिट का ऐसा है कि वहाँ पे लगभग 800 पेट्रोल कार का परमिट बनता है और 400 डीजल कार का परमिट बनता है। जब आप रोहतांग पास क्रॉस करते हैं तो आपको दो रास्ते दिखाई देंगे, एक तो लेह लद्दाख की तरफ जाता है और दूसरा जो रास्ता है वो जाता है चंद्रताल लेक की तरफ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रोहतांग पास से जुड़ी कुछ चीज़ें, जिसमें अगर आप मनाली के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम आ जाए। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो से और अंत तक देखिएगा, हो सकता है कि ये वीडियो डेफिनेटली आपको काम आएगा अगर आप मनाली के लिए प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रोहतांग पास पहुंचना कैसे है, हाउ टू रीच रोहतांग पास। तो रोहतांग पास पहुँचने के लिए हमें मनाली जाना होता है और मनाली से आपको काफ़ी सारे व्हीकल मिल जाएंगे रोहतांग पास जाने के लिए। अगर आप मनाली प्लान कर रहे हैं नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में, तो उस टाइम पे रोहतांग पास क्लोज होता है, तो ये ओपन होता है मई के फर्स्ट वीक में। रोहतांग पास पहुंचने के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है, वो परमिट इशू करते हैं और उसके थ्रू हम रोहतांग पास जा सकते हैं। एक दिन में लगभग 800 पेट्रोल कार और 400 डीजल कार अलाउ है, इतनी गाड़ियाँ वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप रोहतांग पास जाना चाह रहे हैं तो आप सुबह सुबह निकल जाएं मनाली से, क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है कि वहाँ पे अच्छा खासा रश होता है जिसमें पूरा दिन लग जाता है रोहतांग पास से वापस आते आते। और नॉर्मली तो ये 51 किलोमीटर दूर है, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि आपको कभी कभी 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं वहाँ पहुँचने पर। तो आप अगर मॉर्निंग में निकलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आप मनाली से रोहतांग पास के लिए निकलेंगे तो बीच में आपको काफ़ी सारी ऐसी जगह आएगी जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि सोलांग वैली है, गुलाबा है और आपका कोठी है, मरही है। तो ये सारी जगह ऐसे हैं जो कि स्नो पॉइंट के लिए फेमस है। लेकिन अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो इन सभी जगहों पर अगर टाइम बचता है तो लौटते समय करिए, क्योंकि जाते समय अगर आप करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा रोहतांग पास में टाइम एक्सप्लोर करने का। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप वहाँ से जब लौट रहे हैं तब इसको एक्सप्लोर करिए। तो चलिए जानते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट इन रोहतांग पास। वैसे तो रोहतांग पास में लगभग साल में 8 से 9 महीने बर्फ तो पक्का रहती है वहाँ पे, लेकिन जो रोहतांग पास ओपन होता है वो होता है मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, मोस्टली ये सेकेंड वीक में ओपन हो जाता है और ये ओपन रहता है लगभग नवंबर के मिड तक, क्योंकि उसके बाद में फिर स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले रोहतांग पास बंद होता है, फिर और नीचे कोठी, गुलाबा, फिर सोलांग वैली, इन सभी में स्नो आ जाती है और फिर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पे आपको मनाली में ही स्नो मिल जाएगी। तो रोहतांग पास उस टाइम पर बंद होता है। तो अगर आप रोहतांग पास के लिए प्लान करना चाह रहे हैं या रोहतांग पास जाना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा टाइम है मई से लेके लगभग जुलाई फर्स्ट वीक तक, उसके बाद में हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। तो अगर आप रोहतांग पास प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिए मई से जून के बीच में आपका ये प्लान हो जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको परमिट के बारे में कि परमिट कैसे लेना है। तो अगर आपको रोहतांग पास का परमिट लेना है तो आप ऑनलाइन भी रोहतांग पास का परमिट देख सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डालूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी और मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि रोहतांग पास में अगर आपको जाना है तो लगभग
400 डीजल गाड़ियों का पास इशू होता है और 800 पेट्रोल गाड़ियों का परमिट इशू होता है एक दिन में। मैं तो ये कहूँगा कि आप पर्सनल गाड़ी लेके ना जाएं, क्योंकि कभी कभी यूनियन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ यूनियन बनी मनाली की ही गाड़ियाँ आगे जाती हैं रोहतांग पास के लिए, क्योंकि उन्हें स्पेशल परमिशन होती है और वो वेदर के अकॉर्डिंग, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो अपना मेंटेनेंस प्रॉपर करते हैं। तो चलिए मैं अब बता देता हूँ आपको रोहतांग पास के वेदर के बारे में कि वहाँ का वेदर कैसा रहता है। रोहतांग पास का वेदर जो है वो काफ़ी ठंडा रहता है। अगर आप मॉर्निंग पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगेगी, और अगर आप यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर के बीच में जा रहे हैं तो वहाँ पे बर्फ तो नहीं होती पर ठंडी हवाएं काफ़ी चलती हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में वहाँ पहुँचेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, और अगर आप वहाँ पे आफ्टरनून में पहुँचते हैं तो थोड़ा सा आपको आराम मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप मॉर्निंग पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। मैं गया था सितंबर में और उस टाइम पे बिल्कुल भी स्नो नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ पे जब पहुँचा था तो लगभग सुबह के 6 बज रहे थे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। रोहतांग पास मोस्टली अपने बदलते वेदर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि कभी वहाँ पे धूप होती है, कभी वहाँ पे फॉगी वेदर मिलेगा आपको, कभी हल्की हल्की बारिश होती रहती है, कभी वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप लेके जाइए, जैसे कि आपका स्नो शूज़। अगर वहाँ पे स्नो है तो स्नो शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको बर्फ़ की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। आपके जो नॉर्मल शूज़ है, कैजुअल शूज़ है, वो भीग जाएंगे और उसके बाद आपके पैरों में ठंड लगेगी। दूसरी चीज़ है आपके गर्म कपड़े। आप अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप गर्म कपड़े वहाँ पे ज़रूर लेके जाएं। इन काले चश्मे बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप दोपहर में पहुँच रहे हैं और अच्छी खासी धूप लग रही है, वहाँ पे स्नो है, तो वो ऐसा रिफ्लेक्ट करती है कि आँखों में आपको बिल्कुल वाइट वाइट दिखेगा हर जगह। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो काले चश्मे भी लेके जाइए, वो काम आएंगे। इसके अलावा मेडिसिन, क्योंकि रोहतांग पास लगभग 4000 मीटर की हाइट पे है, तो आप वहाँ पे कुछ मेडिसिन वगैरह ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है। अगर आप रोहतांग पास जाते हैं तो हो सकता है कि सिर दर्द हो या जी मचलने लगे, तो ऐसी चीज़ें होती रहती, तो मेडिसिन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा आप ले जा सकते हैं एक छोटा ऑक्सीजन का सिलेंडर, कि जैसे मान के चले कभी कभी ऑक्सीजन की वजह से आपका सिर दर्द हो सकता है तो वो उस टाइम या जी मचल सकता है, ठीक है, या तबीयत खराब हो सकती है, तो उस टाइम पे आप हल्का हल्का स्प्रे करेंगे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो आपको काम में आएगा। बाकी अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो मनाली में काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर है, आप उनसे सजेशन ले सकते हैं कि आपको कौन सी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी रोहतांग पास में। तो दोस्तों ये था हमारा रोहतांग पास के बारे में छोटा सा एक वीडियो, मुझे जो पता था मैंने रोहतांग पास के बारे में बता दिया। और अगर आपको इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बातें करनी है या आप मनाली का टूर प्लान कर रहे हैं तो आप मुझे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।